हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मानू बीएड सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड पांच ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर सेंटर से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चे एबसेंट रहे हैं, कितने रैंक पर आप लोगों को कौन सा सेंटर मिल जाएगा, और कितने रैंक वाले का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और कितने रैंक पर दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा आसानी से, और कितने रैंक पर हैदराबाद में एडमिशन हो जाएगा, कितने रैंक पर भोपाल में एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग सेंटर पर कितने रैंक पे एडमिशन कंफर्म आपका हो जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक के बारे में जो वीडियो बनाया था और मैंने जो बताया था वो परफेक्ट एकदम सही साबित हुआ, और प्रोविजनल लिस्ट में उन सारे बच्चों का नाम आ गया जिनके बारे में मैंने बताया था, जितना रैंक तक मैंने बताया था, और उन सभी को सेम ट्रेड इंजीनियरिंग का मिल गया जो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मानू का एग्ज़ाम सेंटर 12 राज्य और एक दिल्ली NCR में है, यानी कुल मिला के 18 एग्ज़ाम सेंटर है। तो हम लोग सेंटर वाइज जाएंगे कि किस सेंटर पर किस बच्चे ने कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आसनसोल में 235 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एडमिशन के लिए। औरंगाबाद, यहाँ दो बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। आजमगढ़, 6। बेंगलुरु, सिर्फ एक। भोपाल, यहाँ से भी एक। बीदर, यहाँ से 5 बच्चों ने इस सेंटर से एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद कटक, 3। दरभंगा, सबसे ज़्यादा यहीं से बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इसी सेंटर पर, 440। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद दिल्ली NCR, 53। इस सेंटर से 53 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। हैदराबाद, इस सेंटर से 35 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। जम्मू और कड़प्पा में कोई बच्चा एंट्रेंस नहीं दिया है। किशनगंज, यहाँ से 159 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। लखनऊ, यहाँ से 6 कैंडिडेट हैं। नू, इस सेंटर पर 3 बच्चे ने एंट्रेंस दिया। पटना, 177। रांची, यहाँ से 4 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है। उसके बाद संभल, जो कि यूपी में है, यहाँ से 24। और बस श्रीनगर पे भी कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है मानू बीएड सोशल स्टडीज में एडमिशन के लिए। तो कुल मिला के इतने सेंटर पे इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस स्टेट से कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है मानू बीएड सोशल स्टडीज़ में एडमिशन के लिए। उसे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कितने रैंक पर किस बच्चे को कहाँ मिल जाएगा एडमिशन। झारखंड, यहाँ से कुल 4 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं इस स्टेट से। उसके बाद है दिल्ली NCR, यहाँ से 53। उसके बाद उड़ीसा, यहाँ से 3। हरियाणा, यहाँ से भी 3 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। कर्नाटक, यहाँ से 6 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। महाराष्ट्र, 2। यूपी, उत्तर प्रदेश, 36 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तीनों सेंटर मिला के मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के सेंटर पे कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिए एडमिशन के लिए। उसके बाद
वेस्ट बंगाल 235, मध्य प्रदेश एमपी 1, और बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार में ही बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, 776, और तेलंगाना हैदराबाद 35। कुल इतने बच्चों ने हर एक राज्य से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। अब हरियाणा में कुल 3 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और हरियाणा में जो नूह में कैंपस है वहाँ 19 सीट है सोशल साइंसेस के लिए। तो यहाँ कोई भी बच्चा जो यहाँ एग्ज़ाम दिया होगा और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में हरियाणा नूह को चुना होगा, उसका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि कुल टोटल 1154 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और 205 एब्सेंट रहे हैं, ठीक है, और 245 सीट है टोटल, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा। और हरियाणा में 19 सीट है, 3 बच्चा है। अगर ये इनमें से कोई भी बच्चा होगा जो हरियाणा नू में पहला सेंटर चुना होगा एडमिशन के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, उसका एडमिशन आसानी से नू में हो जाएगा। इसमें कोई चाहे उसका रैंक कितना भी क्यों ना हो, उस बच्चे का रैंक अगर इतना भी होगा, ठीक है, लास्ट रैंक भी होगा, ठीक है, या उसके अंदर होगा, तो उसका एडमिशन हरियाणा नू में हो जाएगा अगर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस नू को चुना होगा तब। उसके बाद है कर्नाटक, यहाँ भी 19 सीट है, और यहाँ भी 1154 या उससे कम रैंक होगा बच्चे का तो एडमिशन हो जाएगा। शर्त यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसने कर्नाटक को चुना होगा तो, ठीक है, जहाँ बीदर में जो कैंपस है उसको चुना होगा तो। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी 19 सीट है, और यहाँ भी अगर किसी बच्चे का 1154 या उससे कम रैंक होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। शर्त यह है कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस मध्य प्रदेश यानी भोपाल में जो कैंपस है उसको दिया होगा तो ही होगा। उसके बाद है यूपी, यूपी में भी 19 सीट है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का रैंक 678 या उससे कम होगा और उसने एडमिशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस यूपी संबल वाला कैंपस को चुना होगा तो उसका एडमिशन संबल में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस चुना होगा और रैंक 678 या उसके अंदर होगा तो। जम्मू कश्मीर, यहाँ 19 सीट है और एक भी बच्चा यहाँ नहीं आया है, ठीक है, तो ज़्यादातर बिहार से लोगों को वहाँ भेजा जाता है, ठीक है, कोई बच्चा यहाँ इंटरेस्ट दिया ही नहीं, सारा सीट खाली है, तो बिहार में जो बच्चे बचेंगे उनको जो है वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, टोटल 38 सीट है और बच्चे जो हैं वेस्ट बंगाल में कितने हैं, 235 जो एग्ज़ाम दिए हैं। तो यहाँ एडमिशन के लिए जिस बच्चे का रैंक 123, ठीक है, या उससे कम होगा, ठीक है, उस बच्चे का एडमिशन यहाँ फर्स्ट लिस्ट में नाम भी आएगा और एडमिशन वेस्ट बंगाल आसनसोल में हो जाएगा। शर्त यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसने वेस्ट बंगाल आसनसोल को चुना होगा तो। उसके बाद आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक ही बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और यहाँ भी सीट है 38, ठीक है, और यहाँ भी अगर किसी बच्चे का लास्ट रैंक हो या उससे के अंदर हो तो उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बस शर्त यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस चुना होगा, और एक ही बच्चा ही है यहाँ तो सारा सीट तो बच ही रहा है, तो बिहार से यहाँ भी बच्चों को भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार, बिहार में एडमिशन के लिए किसी बच्चे का यहाँ भी 38 सीट है, और यहाँ एडमिशन के लिए बिहार में जो दरभंगा कैंपस है वहाँ एडमिशन के लिए जिस बच्चे का रैंक 89 या उससे कम रैंक होगा तो बिहार में उसका एडमिशन कंफर्म
हो जाएगा। शर्त यह है कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दरभंगा को दिया होगा तब, ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस देने से नहीं होता है, फर्स्ट देना ज़रूरी है और फर्स्ट प्रेफरेंस को ही पहले मौका दिया जाता है। उसके बाद लास्ट है आपका तेलंगाना, यहाँ 38 सीट है, ठीक है। 35 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ भी लास्ट रैंक हो, उसके अंदर हो, है ना, कितना भी रैंक हो, उसका एडमिशन यहाँ तेलंगाना में, जो कि हैदराबाद कैंपस है, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसने तेलंगाना हैदराबाद को चुना होगा तो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी यहाँ भी वही है, लास्ट रैंक रहे या उससे कम रहे, है ना, कोई बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। मानू एडमिशन 2021 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।